राजा अपनी गली में सबको साथ सजावट करते हुए देख रहा था। सब मजे करे हैं और मैं अभागा अकेला बस देख ही सकता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा परिवार है भी या नहीं। संडे हो या मंडे, होली हो या दशहरा, काम करो तो खाओ वरना भूखे सो। बस यही जिंदगी है। ए राजू, आज लेट कैसे हो गया? तेरी मजदूरी में से पैसे काटे जाएंगे आज। मालिक ऐसा नहीं करो, वैसे ही इतनी कम मजदूरी मिलती है, बड़ी मुश्किल से दो वक्त का खाना नसीब होता है। तो समय से आया करना फिर। मालिक के ताने सुनने के बाद वो काम करने लगता है। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद शाम को राजू मालिक से कहता है, मालिक पैसे दे दो, कुछ घर में राशन लाना है। मालिक राजू को चार बातें सुनाकर भगा देता है। आज क्या खाऊंगा मैं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी पैसे भी नहीं है, घर में पानी के अलावा कुछ होगा भी नहीं। राजू मायूस होकर वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ जाता है कि तभी उसे एक लड़की दिखती है जो कि पैर से अपाहिज थी। व्हीलचेयर पर नमकीन बिस्कुट टॉफी वगैरह बेच रही थी। अरे भैया, नमकीन बिस्कुट खिलौने ले लो, कुछ चाहिए आपको? तुम कितनी बहादुर हो जो कि दिक्कत होने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी और खुद कमा के खा रही हो। मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं है। अरे भैया, मैं ये काम इसलिए नहीं करती कि लोग मुझ पर तरस खाकर मेरी मदद करें। ये काम तो मैं इसलिए करती हूँ कि कोई मुझे धरती का बोझ ना समझे। जैसे बाकी लोग कमा कर खाते हैं, मैं भी मेहनत की कमाई करके खाती हूँ। तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? इतनी रात होती जा रही है, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। मेरे घर वाले नहीं है। कहकर सोनी आगे निकल जाती है अपना सामान बेचने। राजू को बहुत तेज भूख लग रही थी, पर वो करता भी क्या, पैसे थे नहीं और कोई रास्ता भी ना था। राजू फिर एक दुकान पर जाता है। थोड़ा राशन चाहिए, मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ बड़ी साईं, क्या चाहिए बोलो, सब मिलता है यहाँ। अच्छा, एक किलो आटा और एक पाव दाल दे दो। दुकान वाला राशन तौलने लगता है कि तभी राजू की आवाज़ आती है, भैया पर मेरे पास पैसे नहीं है अभी। ये सुनकर दुकान वाला सामान तोलना बंद करता है और कहता है, अरे बाबा भाग यहाँ से, बड़ी फ्री का अड्डा समझा है क्या, जो मुंह उठा के आ गया सामान खरीदने और पैसे है नहीं। अरे जा साई, पहले पैसे लेके आ। भैया भैया दे दो सामान, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी पगार नहीं मिली आज, जब मिलेगी तब पैसे दे दूंगा। अरे बाबा, तो तभी आइयो सामान लेने, जब तक पैसे नहीं है तब तक जाके कहीं और भीख मांग। झल्लाकर दुकान वाला राजू को भगा देता है। ये सब सोनी देख लेती है। राजू रोते हुए वापस सड़क पर बैठ जाता है। क्या हुआ भैया? क्या बताऊं, किस्मत ही खराब हो तो किसी को क्या दोष दूं? किस्मत बनाने से बनती है, रोने से बैठने से किस्मत कभी नहीं सुधरती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पैर खराब होने पर मेरी किस्मत के हिसाब से तो मैं अपाहिज हूँ, पर मैं फिर भी मेहनत करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, और देखो मेरी किस्मत में अब भी जिंदगी है जो आम लोगों के पास होती है। अगर मैं भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती और किस्मत पर रोती रहती तो कैसे चलता, कब तक कोई मेरा बोझ उठाता। राजू सोनी की बात से काफी प्रभावित होता है, आंसू पोंछकर। काम तो मैं भी करता हूँ पर पगार नहीं मिलती, कभी आधी मिलती है तो क्या करूँ, मेरी कहाँ गलती है। तो आप अपना काम बदल दो। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे और कोई काम भी नहीं आता, मैं क्या करूँगा, मुझे कोई और क्या काम देगा। अभी दशहरा आने वाला है, अभी बच्चे बड़े सब मुखौटा तलवार गदा खिलौने पटाखे सजावट का सामान वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे मैं बेच रही हूँ आप भी बेचो। बात तो तुम्हारी सही है पर मेरे पास सामान लाने को पैसे भी तो नहीं है। अभी के लिए मैं अपने पैसे से सामान खरीद दूंगी आपके लिए। नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं ले सकता, तुम पूरा दिन कितनी मेहनत करती हो तब जाके पैसे इकट्ठे कर पाती हो। अरे भैया, तो उधार समझ कर ले लो, जब कमाओ तो वापस कर देना। हाँ ये ठीक है। फिर सोनी और राजू बाजार जाते हैं और दशहरे का सामान खरीद कर लाते हैं।
सोनी राजू को काम करने का और बेचने का तरीका सिखाती है और वहीं सड़क के किनारे पटरी पर दुकान लगवा देती है। दुकान खुले हुए 2 घंटे भी नहीं होते और राजू का कई सारा सामान बिक जाता है। अरे वाह सोनी, ये काम तो पूरे दिन मजदूरी करने से 100 गुना अच्छा है। किसी की बातें भी नहीं सुननी पड़ती और पैसे के समय चिक चिक भी नहीं होती। हाँ, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर ही जीनी चाहिए। किसी और के भरोसे क्यों रहो जब मेहनत ही करके खाना है तो। तुम सिर्फ उम्र में छोटी हो पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो, पूरी दादी अम्मा की तरह। फिर दोनों हंसने लगते हैं। रात को दोनों अपना सामान बेचकर घर जाने लगते हैं। धन्यवाद सोनी मेरी मदद करने के लिए। अरे भैया, कर भला तो हो भला। आज मैंने आपकी मदद की, कल आप किसी की कर देना, बात बराबर। इंसानों को तो एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं यहीं पर। फिर सोनी अनाथ आश्रम चली जाती है और राजू घर आने लगता है। अब इतने पैसे तो आ ही गए हैं कि मैं राशन ले सकूं, पर मुझे कल का सामान भी खरीदना है। एक काम करता हूँ, पहले सामान खरीदने के लिए पैसे अलग कर लेता हूँ, फिर जो बचेंगे उससे राशन ले लूँगा। यही सही रहेगा। राजू वैसा ही करता है और खा पी कर सो जाता है। फिर अगली सुबह सवेरे राजू जल्दी उठकर बाजार जाता है और बेचने के लिए सामान भर लाता है और सुबह से ही बेचना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ सोनी भी आती है। अरे भैया, आप तो लगता है सवेरे सवेरे ही आ गए आज। हाँ, अब तुमने इतनी अच्छी नसीहत जो दी थी तो असर तो होना ही था। सोनी मुस्कुराने लगती है। फिर दोनों अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं। इधर राजू का मालिक राजू का इंतजार कर रहा होता है। आज वो नालायक कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं? यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और अब मुझे ही आंखें दिखा रहा है, आने दो इसे आप। पूरा दिन ऐसे ही मालिक राजू के इंतजार में निकाल देता है। इधर राजू और सोनी की बिक्री काफी अच्छी चल रही थी। अगले दिन भी राजू सुबह सुबह ही दुकान लगा लेता है। अब उसके पास लोग भी ज्यादा आने लगे और कमाई और भी अच्छी होने लगी। अब राजू अपने सामान का खर्च और राशन के अलावा भी कुछ पैसे बचा लेता सोनी की उधारी वापस करने के लिए। इधर राजू का मालिक बेचैन होने लगा। आखिर राजू ऐसा क्या कर रहा है जो इतने दिन हो गए काम पर आ ही नहीं रहा। पता करवाना पड़ेगा। मालिक दुकान के ही एक लड़के को कहता है कि राजू के घर जाकर पता करो। मालिक भी ना, उस आलसी राजू के लिए मुझसे फालतू की मेहनत करवा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है राजू आए या ना आए, पर हाँ मालिक को तो फर्क पड़ रहा होगा। मुफ्त में जो काम लेते थे उससे। चलो देखा जाए राजू साहब क्या कर रहे हैं। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, राजू गया कहाँ? फिर कोई और काम तो उसे आता नहीं, पर ना ही कोई रिश्तेदार है उसका जहाँ जाके वो रह सके और 2-4 दिन भी कोई उसका पेट पाल सके। खैर मुझे क्या, मालिक ने देखने को कहा, मैंने देख लिया, बात खत्म। टोनी वापस जाने लगता है तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे बैठे राजू पर पड़ती है। राजू को सामान बेचते देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे राजू तू ये क्या कर रहा है, चल उठ, तुझे मालिक बुला रहे हैं। मालिक को बोल देना कि राजू अब नहीं आएगा, उसने अपनी पगार खुद कमानी सीख ली है और बिना गालियां खाए भी तो वक्त की रोटी चैन से खा सकता है वो। ये सुनकर टोनी कुछ और तर्क वितर्क नहीं कर पाता और वापस आकर मालिक को सब बात बताता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और आखिरकार दशहरा आ ही जाता है। अरे भैया, आज दुकान जल्दी बंद कर देना शाम को। क्यों, क्या हुआ? अरे आज दशहरा है, चलना नहीं है क्या दशहरा देखने? ठीक है। सोनी अपना काम करने लगती है और इधर राजू समय से पहले ही दुकान बंद करके कुछ सामान लाने बाजार जाता है। शाम को जब सोनी राजू को मेले में जाने के लिए बुलाने आती है तो। चले भैया। ये लो सोनी। ये क्या है भैया? तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ, दशहरे का तोहफा समझ के रख लो। सोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राजू और सोनी खुशी खुशी मेला देखने जाते हैं और धूमधाम से दशहरा मनाते हैं।